और आजकल तो ये कद्दू होते तो ये बड़े भी नहीं होते क्योंकि इनका सीज़न नहीं है, अब सीज़न समाप्त हो चुका है, तो ये ऐसी करके समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले हम इसे सब्जी के लिए ले चलते हैं आज। ये गिरे ना, ढंग से नहीं लगा होगा तो ये गिर जाएगा। उन्होंने बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं इसलिए नहीं। साथियों नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से मानस नेगी पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके साथ एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं अभी खेत की तरफ घास लेने के लिए, तो बने रहेगा और चलिए चलते हैं। तो यहाँ से ये अब खेतों की तरफ पहुँच चुका हूँ मैं, और थोड़ी देर में खेत में पहुँच जाऊँगा और वहाँ से लेंगे आज घास काट के। तो ये पूरे खेत खाली हो चुके हैं, देखिए अब कुछ दिन बाद इन खेतों में हल चलाया जाएगा। तो ये पूरे खेत खाली कर दिए लोगों ने, कुछ दिन पहले इन खेतों में धान था और धान को काट छांट के खेत खाली। तो ये आप मेरे पीछे देखिए, ये है, ये इसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं मैलचुआ, चुलाई दाना। तो देखिए ये मैलचुआ है, ये देख सकते हैं इसका कलर लाल होता है। तो ये फसल अभी कच्ची है मैलचुआ की, पहाड़ी भाषा में हम इसे मैलचुआ कहते हैं, और ये है चुलाई दाना। तो चलिए, मैंने यहाँ पे रखा है दरांती और ये रस्सी जिसे हम जूड़ा भी कहते हैं, और इसी पे लाऊंगा मैं आज घास। तो देखते हैं आज कितना घास लापता हूँ मैं खेतों से, क्योंकि आज मुझे ड्यूटी मिली है घास लाने की। तो अभी जा रहा हूँ मैं खेत की तरफ। तो साथियों ये देखिए खेत में मैं पहुँच चुका हूँ, और ये जो ये घास दिखाई दे रही है, तो अभी इसी को काट के ले जाना है मुझे गाय के लिए। तो भाई यहाँ पर रख देते हैं हम अपने दरांती और रस्सी जिस पे हम घास बांध के ले जाएंगे, और ये रहा खेत, और ये वाली घास मुझे काट के ले जानी है। तो चलिए काटते हैं घास को। तो ये सामने भी लोग घास काट रहे हैं, वहाँ पे देखिए ये शायद बांध रहे हैं घास उधर को। ये देख सकते लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो में सामने। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों में जो धान की पराली होती है उसे इस तरह से रखा जाता है पेड़ में, ताकि ये घास सड़े ना, खराब ना हो, और जिसमें हरी घास नहीं रहती है गायों के लिए देने के लिए, तो इसे पेड़ से निकाल के दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से लगाया जाता है पेड़ पे, और इसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं खुम्मा। तो और भी दिखाऊँगा मैं आपको, बड़े बड़े खुम्बे लगे हैं यहाँ हमारे खेतों में। ये देखिए ये ऊपर वाले पेड़ों में भी देखिए कितने बड़े बड़े घास के ढेर लगा रखे लोगों ने। तो भाई फाइनली मैं भी अभी देखिए इतना घास काट चुका हूँ, और बाकी और भाई घास काटना है मुझे। तो ये देखिए कि ये सब्जी के लिए छोटा सा कद्दू, देखिए एक छोटा कद्दू मिल गया मुझे, ये घास काटते काटते ये कद्दू। आजकल कद्दू का ऑफ सीजन है, लेकिन ये अब इसका सीज़न समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कद्दू हमें मिला है, इसे ले जाएंगे सब्जी बनाएंगे हम, क्योंकि घास काट का हमें तो मिल गया एक छोटा सा कद्दू। और चूहों ने भाई बहुत बड़े बड़े बिल बना रखे हैं यहाँ पे खेत के बीचों बीच, और उसमें पाँव फंस रहा है इसलिए गिर रहा हूँ मैं। उन्होंने अपने रहने के लिए घर बना रखे हैं बच्चों ने, तो जो
गड्ढे कर रखे खेत में, उसमें पाँव जाते उसके बाद पाँव वहीं मुड़ जा रहा है, तो इसीलिए गिरा बार बार घास काटते काटते बड़े बड़े बिल बना रखे हैं चूहों ने। बना रखा है क्योंकि मेरे पीछे काफी घास छूट रही है, वो इसलिए छूट रही है क्योंकि मैं घास काटना नहीं जानता हूँ, काफी दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला खेत में जाके। तो भाई एक छोटा सा कद्दू और मिल गया, देखिए ये सूख चुके हैं ये कद्दू के बेल, और आजकल तो ये कद्दू होते तो ये बड़े भी नहीं होते क्योंकि इनका सीज़न नहीं है, अब सीज़न समाप्त हो चुका है तो ये ऐसी करके समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले हम इसे सब्जी के लिए ले चलते हैं, आज वही आज बनेगी शाम को कद्दू और आलू की सब्ज़ी, और आलू के ही खेत में मैं घास काट रहा हूँ। तो चलिए फिर काटते हैं। और चूहों ने देखे बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, घर बना रखे हैं और पूरे आलू वहाँ से अपने बिलों में ले जा रखे हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर रखे खेत में, तो इसीलिए घास काट काटते बीच खेत में गिर रहा हूँ। तो ये मैंने अब रस्सी में घास रख दिया साथ ही, और इस तरह से हम भारी लगाएंगे घास काट। चूहों ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर रखे खेत में, तो इसलिए नहीं उठा पाया, तो ये अब फाइनली उठा पाया हूँ। चलिए चलते हैं।